का लीकेज बनाने आए हैं। ये यूनियन खोलकर एमटीए खोलेंगे। एमटीए पास से यहाँ से टूटा हुआ है, इसी को अब बनाना है। और इसको देखिए इस तरह से यहाँ से पूरा हटाकर पूरा यहाँ पर से यूनियन एक कनेक्ट करेंगे। ये एल्बो फिर देंगे एक और इसको एमटीए में कन्वर्ट करके और चालू करेंगे। देखेंगे फिर आपको दिखाते हैं कैसा बना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। देखिए इस तरह से हमने खोल दिया है इसको। अब इसमें हम एमटीए टाइट कर और इसमें कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो सॉकेट था इससे भी खोल दिए थे, ये भी ढीला हो गया था। अब यहाँ पर यूनियन डायरेक्ट अगर लग जाएगा तो बेहतर रहेगा, यहीं से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए थ्रेड वाला पाइप है ये। ये देखिए चूड़ीदार पाइप जो पीवीसी पाइप होते हैं, इसमें इसको जब भी टालते हैं थोड़ा ढीला टाइप का होता है। अब इसको कभी भी अगर घर पे बनाना हो तो इसमें हल्का हल्का रेती से रेतना होगा और इस पर धागा उस गड्ढे में गड्ढा टाइप का हल्का बनाकर उस पर आपको धागा लपेटना होगा, या आंटी वगैरह अगर होगा घर पे तो उस पर भी लपेट कर सुलेशन देकर दोनों में, और इसको बढ़िया से चिपका दीजिएगा। 100% श्योर रहता है ये और प्रेशर से निकलता भी नहीं है, बहुत अच्छा सक्सेस करता है। इसको हम डायरेक्ट यूनियन यहीं डाल देंगे और यहाँ पर एल्बो डाल के कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए धागा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से गोला, ये देखिए कट मारा है हमने। ये देखिए हल्का हल्का जो आपको नज़र आ रहा होगा ये गोला गोला कट मार कर इसी पर हम धागा पहनाएंगे। ये देखिए आंटी का धागा है और इसी के ज़रिए हमारा प्रेशर कंट्रोल कर। देखिए यूनियन का एक कॉलर हमने डाल दिया है और बहुत अच्छा फिटिंग आया है। देखिए यहाँ जड़ तक आ गया मेरा और आगे का प्रोसेस दिखा रहे हैं। देखिए एमटीए है, इसमें हम टेफ्लॉन टेप को मतलब लगाएंगे और आपको इसमें टाइट करेंगे। ये थ्रेड में दिखाएंगे। ये देखिए हमने 30 राउंड इसको मार दिया है लपेटा। ये देखिए पतला वाला, सबसे ज़्यादा पतला वाला जो टेप होता है उसको 30 राउंड मारना पड़ता है। इससे जो मोटा होता है इसको 20 राउंड मारना पड़ता है। और राउंड मारना बहुत ज़रूरी है, अगर कमी बेसी ज़रा सा भी हो जाएगा तो लीक मार देगा। इसलिए मोटर का बात है और भी कहीं पर भी आप डालना चाहते हैं तो इसका प्रेशर जो है कंट्रोल करने के लिए इतना डालना ज़रूरी है। नल में भी अगर टाइट करते हैं तो थोड़ा हिसाब से देख के टाइट करना पड़ता है। ठीक है, सप्लाई तो अभी है ना, सप्लाई चल सका है अभी। टंकी वाला हौदा वाला डायरेक्ट है, हौदा ना बनवा देता है सब सारा ज़्यादा अच्छा रहता है। बोल ली ना इतना जगह हो बाबू, वो टंकी बनवा लेगा सबसे बढ़िया रहता।
ये देखिए यूनियन कैसा आ गया है। ये देखिए यहाँ एलो लग गया है, एमटीएल लग गया है, ये टुकड़ा पाइप लग गया है, सोल्यूशन लग गया है सीपीवीसी का, सबसे हार्ड सोल्यूशन है। इसका कीमत है 400 रुपया पूरा सेट का, ठीक है। 400 रुपये में ये तैयार होकर तैयार हो गया, 400 मजदूरी इसका है, 800 रुपया कराना इमरजेंसी के टाइम। भाई लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चलते चलते कमेंट करें, और आपको इसमें कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।